Bismillahirrahmanirrahim, dear students, I'm Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. In cost accounting lecture series, we discussed in our previous lecture, we discussed economic order quantity. In today's lecture, we are going to start the problems relating to economic order quantity. अगर आप लोग चैनल पे नए व्यूअर हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो लोग पहले से चैनल के साथ हैं, लेक्चर्स देखते आ रहे हैं, ये लेक्चर्स आपका फ़ायदा कर रहे हैं, तो इन वीडियो लेक्चर्स को लाइक करें, इन पर अपने कमेंट्स दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जो एक्सरसाइज नंबर वन है, पहली एक्सरसाइज है, हम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे, देखेंगे ताकि हमारी ज़रा प्रैक्टिस हो जाए अच्छे तरीके से, वो फॉर्मूले जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे हैं वो काम में आ जाएं, अप्लाई हो जाएं। तो एक्सरसाइज नंबर वन वो कुछ इस तरह से है, सवाल है कि कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी UQ, नंबर ऑफ ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर एंड टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट एट UQ। ये चार रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर दें, दूसरा ऑर्डर कितने देने हैं वो कैलकुलेट कर दें साल में, तीसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट कर दें कि कितने दिनों के बाद ऑर्डर देना है, और चौथे नंबर पे बता दें कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर साइज आएगा उसके ऊपर हमारी टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट कितनी होगी। अवेलेबल डेटा इसके हवाले से जो हमें इस सिचुएशन में दिया हुआ है, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटीरियल D20 जो है वो 6000 यूनिट्स है और साल पूरे में 6000 यूनिट्स चाहिए को मटेरियल D20 है उसके। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो ₹15 पर ऑर्डर है, यानी एक ऑर्डर देने पे ₹15 जो है वो आपका खर्चा आएगा। और कैरियंग कॉस्ट 25% है। परसेंटेज में आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कैरियंग कॉस्ट बाज़ुकात परसेंटेज में होती है, तो आपने वो पर यूनिट कैरियंग कॉस्ट निकालनी है सीसी, तो वो फिर परसेंटेज आपने पर यूनिट कॉस्ट पर अप्लाई कर लेना है, फिर आपको पर यूनिट कैरियंग कॉस्ट पता चल जाएगी। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, मटेरियल D20 ₹2 पर यूनिट है, ₹2 पर यूनिट जो है वो इसकी कॉस्ट है। ये अवेलेबल डेटा है, इससे चार रिक्वायरमेंट्स हैं वो हल करनी है। सवाल पढ़ना है, सवाल पढ़ के हमने इन्फॉर्मेशन लिखनी है, इन्फॉर्मेशन इस तरीके से लिखनी है, ऐसे तरतीब लगानी है कि आगे वो जैसे जैसे हम रिक्वायरमेंट्स हल करें वहाँ पर हमारी जो है वो हेल्प हो। तो इन्फॉर्मेशन हम किस तरतीब में लिखेंगे, सबसे पहले एनुअल रिक्वायरमेंट, सवाल हमने पढ़ा है एनुअल रिक्वायरमेंट AR, तो एनुअल रिक्वायरमेंट है 6000 यूनिट्स। अब फॉर्मूला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का आपको पता होना चाहिए, 2 into AR into OC over CC। इसी जो है वो तरतीब में तीन वेरिएबल्स वहां पे आ रहे हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट, पर ऑर्डर कॉस्ट और पर यूनिट कैरियंग कॉस्ट, तो हमने उसी तरतीब में रहना है। तो उसके बाद हमने लिखनी है पर ऑर्डर कॉस्ट। अब पर ऑर्डर कॉस्ट को मैंने आपको समझाया था कि OC कहते हैं, और ये दी हुई है हमें क्वेश्चन में ₹15 पर ऑर्डर, एक ऑर्डर पे ₹15 खर्चा आ रहा है। उसके बाद आपने लिखनी है पर यूनिट कॉस्ट। अब पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है ₹2 पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट है। फिर आपने लिखना है पर यूनिट कैरियिंग कॉस्ट। अब जो पर यूनिट कैरियिंग कॉस्ट है वो CC है, और पर यूनिट कैरियिंग कॉस्ट वो परसेंटेज में आ जाएगा। दो का जो हमें क्वेश्चन में कैरियिंग कॉस्ट 25% दी हुई है, तो पर यूनिट कॉस्ट का 25% ले लें। यही आपको समझाया था कि ये अगर परसेंटेज में दी हो तो आपने वो परसेंटेज पर यूनिट कॉस्ट पे अप्लाई करना है, तो आपको पर यूनिट कैरियिंग कॉस्ट पता चल जाएगी, तो वो ₹0.50 पर यूनिट आ जाएगा। इसका मतलब 50 पैसे एक यूनिट को कैरी करने का खर्चा आ रहा है, 50 पैसे पर यूनिट जो है वो कैरियिंग कॉस्ट है। अब आप गौर करें, ये तीन एलिमेंट्स AR, OC और CC ये तीनों हमारे पास आ गए, तो तरतीब में लिखा हमने, ये ऊपर नीचे करेंगे तो फिर वो जो ब्यूटी है दैट लाइज इन सिमेट्री वो तरतीब में है, ठीक है।
तो उसी से आपका क्वेश्चन जो है वो आपके लिए सॉल्व करना आसान होगा। हम इसी तरीके से इंफॉर्मेशन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाएगा। अब रिक्वायरमेंट वन है, इसमें कोई वर्किंग नोट्स नहीं है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट सब हम हल कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट वन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईयू की, रिक्वायरमेंट वन है ईयू की, तो ईयू क्यू जो है वो हो जाएगी 2 इंटू ए आर इंटू ओ सी ओवर सी सी और सारे का स्क्वेयर रूट। तो ईओ क्यू बराबर हो जाएगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट है 6000 और पर ऑर्डर कॉस्ट है 15 रुपये और कैरियंग कॉस्ट है रुपीज़ 0.50, उसका स्क्वेयर रूट ले लेना है। तो ईओ क्यू हो जाएगी, देखें 2 × 6 = 12 और 15 = 180 होते हैं, तो 180,000 डिवाइडेड बाय 0.50, उसका स्क्वेयर रूट ले लें, तो ईओ क्यू जो है वो आ जाएगा 3,60,000। तो स्क्वेयर रूट जो है ईओ क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर साइज आ जाएगा 600 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि 600 यूनिट्स एक ऑर्डर में मंगवाने हैं आपने। अगर आप 600 यूनिट्स एक ऑर्डर में मंगवाएंगे तो ये ऑर्डर साइज जो है वो इकोनॉमिकल होगा। यहाँ पे आपकी टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो लोएस्ट लेवल पे होगी। तो अब रिक्वायरमेंट टू जो है, रिक्वायरमेंट टू है नंबर ऑफ ऑर्डर के, ऑर्डर कितने देने पड़ेंगे। रिक्वायरमेंट टू है नंबर ऑफ ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर बराबर होगा एनुअल रिक्वायरमेंट, जितने साल में यूनिट चाहिए, एनुअल रिक्वायरमेंट ए आर डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज जो कि यू क्यू वाला है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट है 6000 यूनिट्स और ऑर्डर साइज जो ईओ क्यू का हमारे पास अवेलेबल आया है, क्योंकि ऑर्डर साइज अभी ईओ क्यू वाला ही है, वो 600 यूनिट्स है, तो 6000/600 इसका मतलब ये हुआ कि 10 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। 10 ऑर्डर्स में 10 दफा ऑर्डर देंगे तो 6600 करके 6000 यूनिट जो साल में हमें चाहिए वो पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट थ्री क्या है, रिक्वायरमेंट थ्री है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का मतलब ये होता है कि कितने दिनों के बाद ऑर्डर देना है। रिक्वायरमेंट थ्री है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ ए ईयर, एक साल के जितने वर्किंग डेज हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और उस साल में ऑर्डर्स कितने देने हैं। तो मैंने आपसे ये कहा था कि वर्किंग डेज अगर क्वेश्चन में नहीं दिए हुए तो आप जो साल के दिन हैं वो आप ले सकते हैं, 360 भी ले लिए जाते हैं, 365 भी, तो 360 लिख लें यहाँ पे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं 10, तो 36 दिनों के बाद फ्रीक्वेंसी ये निकली है कि 36 डेज के बाद ऑर्डर देना है, 36 दिनों के बाद ऑर्डर देना है। इस तरह से हर 36 दिन बाद ऑर्डर देंगे, 10 ऑर्डर देने पड़ेंगे, 600 करके यूनिट मंगवाएंगे एक ऑर्डर में, तो जो एनुअल रिक्वायरमेंट है 6000 यूनिट्स वो फिल हो जाएगी। अब हमारी अगली जो रिक्वायरमेंट है लास्ट और बड़ी इंपॉर्टेंट, कि हमें समझ आ जाए कि टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं। अब लास्ट जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट फोर, वो है टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट एट ईओक्यू। ये जो मैं आपको भी बात समझाने लगा हूँ, इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि जो नेक्स्ट जो लेक्चर्स रह गए हैं हमारे इसके ऊपर वो यही है
कि कोई एक ऑर्डर साइज कंपनी एक दफा फॉलो कर रही है, आपसे कहा गया कि आप यूक्यू वाला ऑर्डर साइज निकालें और उसके मुताबिक बताएं कि कंपनी को कोई पैसे बचेंगे, तो आप क्या करेंगे इसी तरह से जो प्रोसीजर मैं अभी आपको कराने लगा हूं, आप यूक्यू फाइंड कर लेंगे और फिर उसके बाद जो कंपनी उस वक्त ऑर्डर साइज फॉलो कर रही होगी उसके ऊपर उसकी रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट निकाल लेंगे, फिर यूक्यू पे निकाल लेंगे, यकीनन यूक्यू के ऊपर कम आएगी तो कंपनी को जो पैसे हैं वो बच जाएंगे। और इसी तरह की सिचुएशंस के आप प्रूव करके दें कि यूक्यू जो है वो वाकई ही वहां पे कॉस्ट लोएस्ट लेवल के ऊपर होती है, तो ये काम आप तभी कर सकते हैं। ये अगर आप जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया, ये जो टेबल सा बनाने लगा हूँ ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखें उसके लिए डाटा यहाँ पे इसी तरतीब से इसी तरह से ये आइटम्स आनी है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट एआर कितनी है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, एनुअल रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे पास है 6000 यूनिट्स, ये लिखा भी हुआ है, एनुअल रिक्वायरमेंट 6000 यूनिट्स है। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो है वो ऑर्डर साइज लिखना, तो ईओक्यू पे ऑर्डर साइज जो है वो कितना निकला है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी निकली है 600 यूनिट्स, तो ऑर्डर साइज कितना है इस वक्त हमारे पास जो ऑर्डर साइज अवेलेबल है ईओक्यू का वो 600 यूनिट्स है। ईओक्यू इतनी ही निकली है ना, हमने जो पहली रिक्वायरमेंट में निकाली है कि 600 यूनिट्स का एक ऑर्डर साइज रखे और उतने यूनिट मंगवाएं। अब यहाँ पे एक लाइन छोड़ लेनी है और फिर आपने लिखना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये मैं जिस तरतीब से लिख रहा हूँ इसी तरतीब से डाटा लिखा करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। एनुअल रिक्वायरमेंट ओवर ऑर्डर साइज, एनुअल रिक्वायरमेंट ओवर ऑर्डर साइज, अब एनुअल रिक्वायरमेंट है 6000 तो डिवाइडेड बाय 600, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। फिर एक लाइन छोड़ लें और एक लाइन छोड़ के आप लिखें एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होगा ऑर्डर साइज बाय 2, तो ऑर्डर साइज है 600 बटा 2, सेफ्टी स्टॉक नहीं है क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन हमने रीड किया है इन्फॉर्मेशन में भी नहीं लिखा, क्वेश्चन में था ही नहीं, नो सेफ्टी स्टॉक रिक्वायरमेंट, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं इनमें सेफ्टी स्टॉक नहीं होगा, उसके बगैर वाले अभी जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो 300 यूनिट्स जो हैं वो ऑन एवरेज रहते हैं हमारे स्टोर में, स्टॉक में। अच्छा, ये जो डाटा दिया हुआ ये सारी क्वांटिटीज हैं, यूनिट्स यूनिट्स ऑर्डर्स यूनिट्स, तो यहाँ पे आप दरमियान में हेडिंग लिख सकते हैं क्वांटिटी डाटा, ऐसे हेडिंग लिख लिया करेंगे हम क्वांटिटी डाटा, और फिर यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे अब नेक्स्ट कॉस्ट डेटा लिख लेंगे, कॉस्ट्स अब कैलकुलेट हो जाएंगी। क्वांटिटी डेटा में ये चार बातें आया करेंगी, जरा गौर से देखें तरतीब, एनुअल रिक्वायरमेंट और ऑर्डर साइज, अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला एनुअल रिक्वायरमेंट ओवर ऑर्डर साइज और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ऑर्डर साइज बाय 2, तो इसी तरतीब में ये आपने लिखा करने है। तो कॉस्ट डेटा, फिर पहली जो कॉस्ट है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो होती है नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ओसी, पर ऑर्डर कॉस्ट, ओसी जो है ये पर ऑर्डर कॉस्ट को ओसी कहते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, ऑर्डर देने हैं आपने 10, यहां भी जो लाइन छोड़ी हुई है 10 ऑर्डर देने हैं, और पर ऑर्डर कॉस्ट जो है वो 15 रुपए है, तो ये रुपीज आ जाएगा, इसका मतलब 150 रुपए जो है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर देना है आपने एड कैरियंग कॉस्ट, तो कैरियंग कॉस्ट कैसे फाइंड होती है, कैरियंग कॉस्ट का फॉर्मूला है ये आपको प्रीवियस लेक्चर में सारे फॉर्मूले जो है वो लिखवाए हैं, ये सारे सपोर्टिंग फॉर्मूलाज हैं, ये काम आएंगे। एवरेज इन्वेंट्री इनटू सीसी, और सीसी है
पर यूनिट कैरियिंग कॉस्ट, और पर यूनिट कैरियिंग कॉस्ट 50 पैसे एक यूनिट को कैरी करने का खर्चा आ रहा है, और औसतन स्टोर में जो इन्वेंट्री रहती है वो 300 यूनिट्स रहती है। तो ये जो लाइन छोड़ी हुई है 300 यूनिट्स हैं और 50 पैसे खर्चा है, तो 150 रुपए ही जो है वो कैरियिंग कॉस्ट आ रही है। सो टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट 300 रुपए हो जाएगी। देखें, आपको अगर प्रीवियस लेक्चर याद है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लिया ही नहीं हुआ और आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर पहले लाजमी देख लें ताकि फॉर्मूलाज इसके आपको वो क्लियर हो जाएं। वहां पे हमने ये बताया था, मैंने आपको ये समझाया था कि ईओ क्यू वो ऑर्डर साइज है जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कैरियिंग कॉस्ट के इक्वल होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 150 है और कैरियिंग कॉस्ट भी 150 है। ये वो लेवल होता है जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरियिंग कॉस्ट इक्वल हो जाती हैं, और टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट जो आती है वो मिनिमम लेवल के ऊपर होती है। इसका मतलब 300 रुपया रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट है। आप इसके अलावा कोई भी और ऑर्डर साइज रख लें, मेरी ये जो ऑर्डर साइज है 600 यूनिट्स है, इसे 600 यूनिट्स के बजाय आप कोई और ऑर्डर साइज रख लें, तो जो भी आप ऑर्डर साइज रखेंगे वहां पे जो कॉस्ट आएगी वो इससे ज्यादा होगी। अब इस बात को, ये एडिशनल वर्क है, क्वेश्चन में यहाँ पे जो है वो बात खत्म हो गई हुई है। मैं अभी आपको एक बात समझाता हूँ। फर्ज कर लें कि एनुअल रिक्वायरमेंट जो है वो 6000 यूनिट्स ही रहे और ऑर्डर साइज आप 300 यूनिट्स कर लें। आप कहते हैं नहीं जी, हमने तो थोड़े मंगवाया करने, हमने 300-300 करके मंगवाना है। नहीं, बात माननी इसकी। तो एनुअल रिक्वायरमेंट जो है वो 6000 यूनिट्स है डिवाइडेड बाय वो 300 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, 20 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। अब जो एवरेज इन्वेंट्री पास है वो कम हो जाएगी, वो 150 यूनिट्स हो जाएगी। आपने कहा नहीं जी, हम अभी 600 ज्यादा मंगवा रहे हैं, अब ज्यादा कैरियिंग कॉस्ट पड़ रही है, अगर हम थोड़े मंगवाएं तो कैरियिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। चले, कैरियिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी क्योंकि आप थोड़े यूनिट कैरी कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर तो ज्यादा देने पड़ गए ना, 20 ऑर्डर देने पड़ गए, पहले 10 ऑर्डर देने पड़ रहे थे। तो अब जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 20 हैं, तो 20 × 15, तो यही जो है वो 300 रुपए हो जाएगी। और जो कैरियिंग कॉस्ट है, कैरियिंग कॉस्ट जो है वो 150 है, तो 150 × 0.5 जो है वो 15 × 5 = 75 आ जाएगा। इसका मतलब जो टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट आ जाएगी वो 375 आ जाएगी। तो आप गौर कर रहे हैं कि क्या हुआ, आपने अगर थोड़े यूनिट का जो है वो ऑर्डर साइज रखा, या आपने ईओ क्यू नहीं माना, ईओ क्यू से कम का ऑर्डर साइज रखा, अगर आप ईओ क्यू से कम का ऑर्डर साइज रखेंगे तो यकीनी बात है कि कैरियिंग कॉस्ट तो आपकी बच जाएगी लेकिन आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब ये बराबर नहीं है। कैरियिंग कॉस्ट तो देखें, और ईओ क्यू पे 150 थी, इधर आपने बचा ली 75 रुपए, बचा लिए 75 रह गए, 75 अलग रहे हैं, लेकिन उधर फर्क क्या पड़ा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट 150 से डबल होगी, 300 हो गई। यानी अगर आप ईओ क्यू से कम का ऑर्डर मंगवाएंगे तो कैरियिंग कॉस्ट कम हो जाएगी लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपका नुकसान होगा, टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। और इसके उलट जो है वो आप खुद ये कैलकुलेशन कीजिएगा कि आप 600 से ज्यादा रख रहे हैं, आप जो है वो डबल कर लें, आप कहते हैं नहीं जी हमने तो 1200 मंगवाने हैं, तो 1200 यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेशन आप करें। और वहां पे आप देखेंगे, जब आप ज्यादा मंगवाएंगे तो फिर उसे ये होगा कि ऑर्डर तो कम देने पड़ जाएंगे। अगर आप ईओ क्यू से ज्यादा मंगवाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, कैरियिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आप 1200 करके मंगवा रहे हैं तो 1200 पास रखने पड़ेंगे। यानी एक एलिमेंट कम हो जाएगा, दूसरा बढ़ जाएगा, एक जितना कम होगा दूसरा उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, और आपकी टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट की वो जो इक्वेशन बन रही है उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो फायदा सिर्फ जो है वो इसी बात में है कि आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के थ्रू खरीदें। ये रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट के हवाले से बात हो रही है। देखें, अगर जो है वो मुस्तकबिल में कीमतें ही कम हो जानी हो तो आपकी ये टेक्निक फेल है। अगर कीमतें कम हो जानी, कीमतें इतनी कम हो जानी है, फिर रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट से आप जो है वो आप पहले ज्यादा मंगवा लिए हैं और बाद में कीमत कम हो गई है, तो आप अगर डिले कर सकते, बाद में खरीद सकते हैं, तो बाद में, यानी जैसे जैसे कीमतें कम हो रही हैं
तो आप उसके हिसाब से खरीदें, कीमतें बढ़ जाएं फिर भी इशू आता है। ये सिनेरियो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का है उसी सूरत में काम करता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि बड़ी अजम्पशन है वो ये है कि कॉस्ट जो है वो इंक्रीज नहीं करेंगी। ये रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट का ये जो टेबल है ये आपने अच्छी तरह से ज़हन में रखना है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करना है, इस पर अपने कमेंट्स देने और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।